चैनल निकू सुमित ऑफिशियल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो, ये ना कुछ अलग वीडियो है। कभी मैंने इस तरीके की वीडियो अपने चैनल पे नहीं शेयर किया है एंड ये बहुत जरूरतमंद चीज है। मैं आपको बताऊं, सबसे चीज अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं तो हम साड़ी नहीं पहन पाते हैं और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ खुद ऐसी हुई है कि फेस्टिवल में तो साड़ी पहनना ही पड़ता है, बट ब्लाउज का बहुत इश्यू होता है, कभी टाइट हो जाता है, कभी लूज हो जाता है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे पास ना बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्लाउज हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बट प्राइस काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, प्राइस इसका काफ़ी सस्ता है। तो मैंने अलग अलग कलर के ले लिए हैं अपने लिए। और कभी कभी ऐसा मन होता है ना कि साड़ी बिल्कुल सिंपल हो बट ब्लाउज थोड़ा सा हैवी हो, पहनने का मन करता है। बट अगर आप ऑफलाइन जाओगे ना मार्केट में, अगर साड़ी लोगे तो साड़ी अगर आपकी हल्की है, ब्लाउज उसमें अगर उन्होंने हैवी दे दिया तो वो बहुत कॉस्टली होता है। तो क्या कर सकते हो आप, साड़ी नॉर्मल ले लो और ब्लाउज आप इस तरीके से ऑनलाइन ले सकते हो हैवी और कंट्रास्ट करके पहन सकते हो, बहुत अच्छा लुक निकल के आएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। तो कुछ ब्लाउजेस हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने लिए हैं अमेजोन से, जो कि काफी रीजनेबल प्राइस में मिले हैं। काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स इस टाइम पे चल रहे हैं अमेजोन पे, तो आपको भी काफी सस्ता मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन आपको नीचे कॉमेंट में मिल जाएगा, एक एक करके बहुत बारीकी से एक एक गला और इसमें साइजेस भी मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। एंड माई हॉल स्टोर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से भी आप आराम से बाय कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लाउज की। इतना ज्यादा हैवी ब्लाउज ना गाइज लहंगे के साथ ही आता है, किसी भी साड़ी के साथ इतना हैवी नहीं आएगा। और अगर आता भी है, इन केस की अगर आ भी गया, अगर इतना हैवी, पहली बात तो पता है ब्लाउज सिलवाने में ही, अगर पैडेड ब्लाउज आप सिलवाओगे तो 1000 से 1500 रुपए लगते हैं पैडेड ब्लाउज के, अगर आप डिजाइनर सिलवाते हो तो। हमारे यहाँ यही रेट है, हो सकता है आपके यहाँ सस्ता हो बट हमारे यहाँ यही रेट है। और इतना हैवी ब्लाउज मिलता नहीं है बट यहाँ पे मिल गया है, काफी ज्यादा हैवी है। मैं आपको दिखाऊं, आपको ये देखो प्यारा सा ये लटकन भी मिलेगा दोनों साइड, और अलग से फिर लटकन जब आप खरीदोगे तो उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका जो प्राइस है ना, मैं यहाँ पे 3000 है, ये आप देख सकते हो 3000 है, बट ये 3000 में मुझे बिल्कुल नहीं मिला है, ये मुझे 800-900 इसी प्राइस में मिला है। और ये डार्क वाइन कलर का है, बहुत सारे ब्लाउजेस होते हैं जो वाइन में होते हैं, थोड़े आप पास से इसकी क्वालिटी देख सकते हो। डिजाइन का ये आप देख सकते हो पैटर्न, फ्रंट से ऐसे वी नेक है और बैक से कुछ इस तरीके से है, बैक में हुक दिया हुआ है, काफी कंफर्टेबल है। एंड हुक की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये जो हुक है तुरंत निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो फर्स्ट जो मेरा ये वाइन कलर में, इसमें मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया, बट मुझे फिर भी थोड़ी सी ऑल्टरेशन करानी पड़ेगी। तो साइजेस आराम से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, साइजेस कलर सारी चीजें अवेलेबल है। प्राइस आप, इतनी हैवी ब्लाउज आप इस प्राइस में आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा जिस प्राइस में ये आप मुझे मिला है ऑनलाइन। तो आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरे सेकंड ब्लाउज की, जो मैंने डार्क ब्लू कलर में लिया है। ये कलर कभी काफी साड़ियों पे चल जाता है, जैसे पैरोट ग्रीन की साड़ी हो तो उस पर ये इस तरीके का ब्लाउज चल जाता है, तो मैंने ले लिया है। और इसमें भी हैंडवर्क है, आप ये देख सकते हो, इसका जो नेक है ना वो अलग डिजाइन में है, थोड़ा सा पास से आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, इसका डिजाइन देख सकते हो। एंड स्लीव्स मुझे ब्लाउजेस के इतने ही पहनने पसंद है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग मंगाया है। पूरा ब्लाउज बहुत ही ज्यादा हैवी है और इसमें जो है फ्रंट में हुक लगा हुआ है, एंड अगेन ये भी पैडेड है और काफी अच्छे से, मतलब ये आपकी बॉडी में फिट हो जाता है। जैसे कि आप साइड में देख रहे हो, मैं पहन के आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, आपको अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी कि पहनने के बाद इसका जो लुक है वो और ज्यादा अच्छे से निकल के आता है। सो ये भी काफी रिजनेबल प्राइस में है, इसका जो प्राइस है यहाँ पे ये भी 3000 में है एंड मेक इन इंडिया। ये मैं कौन से ब्रांड का है मैं आपको बता दूं, पूजा क्रिएशन न्यू बॉम्बे मार्केट इस पे लिखा हुआ है। ये मुझे लग रहा है दोनों सेम जगह का है, पूजा क्रिएशन। काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड मतलब बाहर से कितना भी कढ़ाई डिजाइन है बट अंदर से ऐसा नहीं है कि अंदर से आपको चुभेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने अंदर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा यूज किया गया है इसको बनाने के लिए, तो ये काफी कंफर्टेबल होगा एंड आपकी बॉडी में ऐसा भी नहीं होगा कि इतना ज्यादा हैवी है तो चुभेगा, ऐसा वाला चीज सीन नहीं होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट ब्लाउज मैंने लिया है ब्लैक। ब्लैक तो मतलब
आपके कलेक्शन में ब्लैक ब्लाउज तो होना ही चाहिए, ब्लैक, नेवी ब्लू, वाइन कलर, डार्क ग्रीन कलर, ये सारी चीजें तो आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए, क्योंकि ब्लैक तो सब ऑल राउंडर है, सब पे चल जाता है। सो ये इस तरीके का सीक्वेंस का डिजाइन है। फ्रंट कुछ इस तरीके का है, वी बैक कुछ इस तरीके का है, इसमें पीछे की तरफ दिया हुआ है हुक, और मतलब ये भी काफी कंफर्टेबल है। सबके ना स्लीव्स मुझे ऑल्टरेशन कराने पड़ेंगे, क्योंकि स्लीव्स थोड़े से मेरे में ज्यादा लूज होंगे, बाकी सब हो भी जाएगा बट स्लीव्स का थोड़ा सा होगा। और बैक का डिजाइन कुछ इस तरीके से है, एंड ये भी पूजा क्रिएशन का ही है, 3000 में मुझे ये, इस पे प्राइस 3000 है गाइस, लेकिन ये 3000 के नहीं है, 1000 या 500-600 यही प्राइस है, इससे ज्यादा का नहीं है। बट अगर आप इस तरीके की साड़ी लोगे ना जिसमें इतना हैवी ब्लाउज होगा, तो वो साड़ी आपको 5-7000 से नीचे की नहीं मिलेगी। सो गाइस, अगर आप इस तरीके का ब्लाउज वाला साड़ी लोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5-7000 का तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी, तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने ये थोड़ा सा ब्लैक में मंगाया था, ये थोड़ा कंफर्टेबल थी, कभी ऐसा रील्स वगैरह करना हो तो मैं बना लूंगी वीडियो। सो इसलिए मैंने ये मंगाया था, बट इसकी क्वालिटी का बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसे लग रहा है ना ये, ऐसे लग रहा है ना ये इनर है जो हम ठंड में पहनते हैं ना कपड़ों के नीचे, ये वैसा लग रहा है। ब्लाउज तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एंड कलर भी ऐसा ना बहुत पुराना सा लग रहा है। ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मतलब अजीब सा लग रहा है। तो ये वाला तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये वाला ब्लाउज बाय करें अपने लिए। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, ये वाला तो इतना ज्यादा इस टाइम ट्रेंड में है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इसको वेयर किया है एंड काफी अच्छा लगता है ये साड़ी पे। अभी मैं आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगी। तो ये ना काफी डिफरेंट सा पैटर्न है जो कि आजकल ट्रेंड में है। इस तरीके का पहले टॉप हुआ करता था, बट अब इस तरीके की ब्लाउजेस भी होने लगे। बचाओ, मम्मा ने बचा लिया, चलो अब मम्मा काम करते हैं। तो इस तरीके के ब्लाउज ना गाइस काफी ज्यादा ट्रेंड में है, आप ले सकते हो। इसका जो हुक है वो पीछे की तरफ है, एंड इसका जो स्लीव्स है ना वो कुछ इस तरीके से है। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। कैमरे में बहुत से लगे हैं, बाकी बचाओ। तो बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, अगर यहाँ गद्दा नहीं होता ना। कलर ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हो। इसमें से आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा ब्लाउज लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वालिटी सुपर है, प्राइस सुपर है, तो जल्दी से जाइए चेक कीजिए। एंड नेक्स्ट आप ब्लॉग किस टॉपिक पे देखना चाहते हो हॉल, वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। बाय बाय।